गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग भी ठीक ठाक ही है और सुबह का अभी 5 बज रहा है। मैं उठ गई थी सुबह सुबह क्योंकि मुझे आज तो मंडे है, मंडे मॉर्निंग, और मैं के लिए मुझे बनानी थी ब्रेकफास्ट उसका। तो कल ना थोड़ी सी मैंने रात को छिम्मी वाला मटर वाला पराठा बनाए थे, तो वही पराठा एक पीस रख दिए थे क्योंकि मैं को चाहिए था मटर की पराठे। वो मुझे कल रात को ही बोला था कि मम्मा मुझे मटर की पराठे दे दो और थोड़ा सा स्टफिंग दे दो देना। तो बस कुछ नहीं, स्टफिंग वाला ही पराठा है, उसमें एक्स्ट्रा स्टफिंग इस तरह से ना मैं ऐड ऑन कर रही हूँ क्योंकि ये कल मैं को बहुत पसंद आया था। तो बस ऐसे ही ऐड करके इसको लंच बॉक्स में उसका प्लेस कर दूँगी, तो बस वो खा लेगा फटाफट। और सच में आज लंच बॉक्स एकदम खाली आया था। तो सुबह सुबह ना आज सच में ठंड से हाथ पैर जम रहे हैं, तो चलो अच्छा है कि कल मटर का पराठा बना था और पराठा बचा भी लिए थे हम मैं के लिए, नहीं तो आज सुबह सुबह मुझे फिर से कुछ ना कुछ बनाने पड़ता। तो एनीवेज चलो, उसका लंच बॉक्स तो हो गया है रेडी। अब मैं फ्रूट ब्रेक के लिए, आजकल ना फ्रूट ब्रेक में खीरा या फिर कोई भी फ्रूट्स लेने नहीं मांगता है, तो मैं थोड़ा सा बिस्किट दे देती हूँ उसको, चलो कुछ तो खा लेगा। बस उसके बाद मैं बना रही थी चाय हम लोगों के लिए। हस्बैंड का चाय मैं दे चुकी हूँ, मेरी वाली चाय। और चाय लेके रूम में आई थी तो मैंने सोचा कि चलिए बाहर का विजिबिलिटी एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। लुक एट दिस, कैसा हाल है बाहर। हालत खराब हो रही है हम लोगों की, अभी 7:15 हो रहा है तो इतना ज्यादा अंधेरा है बाहर में और कोहरा भी है। और मैंने ना होली के बाद ये वाला चेंज कर लिया, ठंड लग रही थी उसी में यार। ओह चलो ठंड में थोड़ी चाय पीते हैं, अच्छे अच्छे से चाय बन गई है तो इसी चाय पी लेती हूँ मैं, मिलती हूँ आप लोगों से। बहुत ठंड लग रही है। मैं इनको मैंने रेडी कर दिया है स्कूल जाने के लिए और हस्बैंड उसको ड्रॉप करके आएंगे, तो हस्बैंड भी रेडी है। थोड़ी सी फिश का एक्चुअली वो हीटर देख रहे थे पानी कितना गर्म है, क्योंकि ठंडा में ना थोड़ी सी हीटर चलानी पड़ती है। मुझे ना किसी ने सवाल किया था कि ठंड की मौसम में आप लोग क्या करते हो, फिश का पानी तो एकदम ठंडा हो जाता होगा। जी नहीं, हीटर चलता है अंदर में, तो मतलब हस्बैंड टेम्परेचर एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो मैं का आज मूड बिल्कुल नहीं है, मुंह देखिए, बिल्कुल मूड नहीं है स्कूल जाने का। ठंड में किसी बच्चा को थोड़ी मन होता है कि स्कूल जाए, थोड़ा सा रेस्ट करने का मन था उसका, लेकिन क्या ही करे, अटेंडेंस का भी प्रॉब्लम हो सकती है तो स्कूल तो भेजना ही पड़ेगा। तो बस अच्छे से उसको पैक टप कर दिए हैं, मतलब पूरा पैक कर दिए हैं, तो बस उसी हिसाब से वो जाने वाला है स्कूल। उसको जैकेट भी पहना दी ऊपर से ताकि उसको ठंड बिल्कुल ना लगे। तो अभी मूड थोड़ा सा ठीक हो गया उसका, तो स्कूल जाने लगा है और बस हस्बैंड उसको ड्रॉप करके आएंगे, फिर मैं भी अपना घर का कामों में हाथ बटाऊँगी, मतलब हाथ दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह ना इतना ज़्यादा काम होता भी नहीं है। तो बस मैं को हस्बैंड स्कूल ड्रॉप करके आएंगे, तब तक मैं बाकी का काम समेट लूँगी। और अभी मूड थोड़ा सा क्रैंकी है, छोटा बच्चा है ना, कभी कभी क्रैंकी मूड में हो ही जाता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना, बच्चे लोग थोड़ा सा क्रैंकी मूड में आ जाते हैं। एनीवेज दार्जिलिंग का मज़ा यहाँ मिल रहा है, आज बेहद ठंड है, मतलब कड़ाके की ठंड, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हुडी पहनी थी, उसके ऊपर मैं ये पहनी थी, तो मैं अंदर में भी पहनी 2-3 लेयर्स कपड़ा पहन के, वो इतना मजा आ रहा है। बाहर निकली थी ना तो बाहर एक्चुअली मतलब मुंह में ठंड की हवा लग रही है। अभी 7:30 बज रहा है, कोई बोलेगा बाहर में भी 7:30 बज रहा है, 7:30। चलो एनीवेज मैं ऊपर जाऊँ अपना काम देखूँ, पहले तो मशीन में ऑन करूँ, मतलब पानी उठाना है। चलो और हस्बैंड चले गए हैं मैं को ड्रॉप करने, तो बस मैं ऊपर आके अब बाकी का काम समेटने लगी हूँ यहाँ पे, क्योंकि किचन में जाने के पहले ना ये सारे काम समेटने होते हैं। तो देखिए हालत क्या होके रहता है मेरा रूम का, एकदम अफरा तफरी मचा हुआ रहता है, सारे जगह में पिलो कपड़े वगैरह, मतलब जैसे लगता है ना कोई भूचाल आ गया हो मेरा रूम में। तो बस उसको थोड़ी सी ठीक ठाक कर दूँ, रूम थोड़ा सा सेटअप नहीं करने से ना सुबह सुबह रूम बहुत ख़राब लगता है।
और अच्छा भी नहीं लगता है एक्चुअली देखने में। और इसीलिए ना मैं यहाँ पे फिर रूम भी थोड़ा सा साफ सुथरा रहने से ना, जब भी आप रूम के तरफ देखो तो अच्छा ही लगता है। तो मैं ना यहाँ पे हेयर खोल के ही सुबह से थी, ऐसे बांधने का टाइम मुझे नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ एक चोटी बांध लेती हूँ, नहीं तो काम करने में दिक्कत आ जाएगी। और खाना बनाऊंगी ना तो बाल वाल आ जाएंगे, तो खाने में तो वो तो दिक्कत हो ही जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने जो जगह है ये ना डस्टिंग करना ना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, तो बस यहाँ पे थोड़ी सी डस्टिंग मैं कर रही हूँ, क्योंकि ना बहुत आपका वाइट वाइट ना डस्ट दिखने लगता है। वुडन फर्नीचर है ना, शायद इसीलिए ही होगा। और बस सुबह से ना थोड़ी सी भी गर्म पानी पीने का मुझे एक जरा टाइम नहीं मिला, तो मैंने देखा कि फ्लक्स में थोड़ी बहुत गर्म पानी है, तो मैंने सोचा चलो 10 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ, थोड़ी सी पानी पी लेती हूँ बैठ के, क्योंकि सुबह में ना इतना ठंड लग रही थी और गर्म पानी हाथ के सामने था भी नहीं, मुझे पानी पीने का मौका कभी नहीं मिला। तो अभी मैंने देखा कि नहीं फ्लक्स में है, तो थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ बैठ के 10-15 मिनट, उसके बाद फिर से लगूंगी काम पे। तो बस अभी हो ज़्यादा टाइम देने का ना टाइम है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि हस्बैंड को भी आज निकलना है, तो फटाफट से सारे काम निपटाना है मुझे। और जब आपका बच्चा हस्बैंड सब एक साथ काम पे निकले, मतलब स्कूल ऑफिस के लिए काम के लिए, तो सुबह में ना एक हड़बड़ी अलग ही टेंशन रहती है कि मेरी वजह से सब चीज़ लेट ना हो जाए। तो बस मुझे तो ऐसा टेंशन रहती रहती है कि मेरी वजह से लेट ना हो जाए, तो बस इसीलिए ना फटाफट से सारे काम निपटाने पड़ते हैं। मैं जाने के बाद, स्कूल जाने के बाद मैं नहीं बैठती हूँ, सारा काम करने ही लगती हूँ। तो चलिए, डाइनिंग टेबल ना थोड़ा सा गंदा होके था, तो उसको थोड़ी सी क्लीन अप कर दिए, और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि मशीन को मुझे ना टब क्लीनिंग देना है। मैं बाद में भी दे सकती थी, लेकिन ना क्या होता है कि इस टाइम पे दे देने से ना मेरी ना थोड़ा सा हेल्प हो जाती है, कि इस टाइम पे मशीन लगाने से कपड़े भी जल्दी जल्दी धुल जाते हैं, और ऊपर में मैं धूप में सुखाने के लिए भी दे देती हूँ। लेकिन आज तो मैं टब क्लीनिंग दे रही हूँ, अभी कपड़े नहीं धोऊंगी, थोड़ी देर बाद धोना है कपड़े। तो बस मैं ऊपर आ गई टब क्लीनिंग देने के बाद, और थोड़ी सी दूध आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो मिल्क गर्म कर लेती हूँ, और बस इसको चढ़ा दिया है यहाँ पे, साइड बाय साइड थोड़ा सा चाय भी चढ़ाई हूँ मैं। और बस अभी जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाऊंगी हस्बैंड के लिए और मम्मी के लिए। गोभी आलू बना रही हूँ, एकदम थोड़ा सा ही बना रही हूँ, ज़रा सा भून के। इसका रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे आज मतलब हस्बैंड के लिए और मम्मी के लिए बनाना है। मैं नहीं खाऊंगी आज, मैं दही चूड़ा खाऊंगी, क्योंकि मेरा आज मन हो गया था कि आज मुझे रोटी नहीं खानी है। कभी कभी होता है ना, मन करता है कि अच्छा नहीं लग रहा है जी, एक चीज़ डेली डेली अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं था आज। तो मैंने सोचा क्या किया जाए, तो मेरा दिमाग में आइडिया आया कि मम्मी और हस्बैंड के लिए बना देती हूँ, और मैं अपने लिए थोड़ा सा चूरा रखा हुआ तो दही चूरा खा लेती हूँ। पहले तो सोची कि पोहा बना लेती हूँ, फिर सोची उतना कौन मेहनत करेगा पोहा बनाने का, काटना पीटना पड़ेगा, उससे अच्छा दही भी रखा हुआ था और चूरा भी है, और ये मेरा फेवरेट डिश भी है दही चूरा, तो चलो दही चूरा खा लेती हूँ। तो बस आज मेरा ब्रेकफास्ट यही है, और हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके निकल रहे जिम के लिए सुबह सुबह, क्योंकि उनको भी जाना है, काम पे निकलना है। मैं बोल रही थी ना सुबह सुबह सबको ही निकलेगा, तो अफरा तफरी मच जाता है। तो हस्बैंड के जाने के बाद फिर मैं अपना काम पे लगूंगी। क्या हालत हो गई है ठंडे में। ओह, मैंने कनपटा जो है ना, ये कान ढक लिया है, इतना ज्यादा जोर ठंड लग रही है ना, और गले में सबसे ज्यादा। हाथ से तो ठंडी में बर्तन धो लेते हैं, लेकिन ठंड बेहद जोर है। चलो पहले बर्तन में घिस लू मैं, और उसके बाद पानी एकदम बर्फ के तरह ठंड है आज ना, पानी एकदम बर्फ के तरह। पता नहीं आज इतना ठंड क्यों है कोलकाता में, उस दिन से इतना ठंड नहीं था।
सारे बर्तन धोने के बाद मैं सीधा बना रही हूँ लंच। लंच बना लूँगी जल्दी जल्दी। और बस सुबह तो मैंने फ्रेशन अप हो ही गई थी और कुछ करना नहीं था मुझे, तो बस अभी लंच बनानी है। लंच में शाही पनीर बना रही हूँ। शाही पनीर बहुत टेस्टी बनता है। मैं जिस तरह से बना रही हूँ ना तो फटाफट बन भी जाते हैं। और ऐसे ट्रायंगल शेप में मैंने कट कर लिया है पनीर को और बस यहाँ पर बनाने लगी हूँ शाही पनीर। थोड़ी सी मतलब जो रेगुलर ऑयल होती है वो वाला मैंने ले लिया, उसके साथ 4 1 टमाटर लिया और उसके साथ थोड़ी सी कैश्यू नट्स मतलब काजू ले लिया है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है इसमें और बस थोड़ी सी हल्दी का पाउडर भी डाला है मैंने इसमें। और डालने के बाद इसको थोड़ी सी स्टर देना है, थोड़ी सी मिक्सअप करना है। थोड़ी सी मिक्स 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 करने के बाद में ना आपको लीड लगा के 10 से 15 मिनट स्लो फ्लेम में पकाना होता है। तो इससे क्या होगा, टमाटर ऑलमोस्ट गल जाएंगे, पूरी तरह से तो नहीं ऑलमोस्ट गल जाएंगे। और बाय द वे मैं विदाउट ऑनियन बना रही हूँ ये वाला, और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी नहीं ऐड किया। तो टमाटर भी बॉयल हो चुके हैं, पनीर भी कट हो चुका है मेरा, और कैश्यू नट्स काजू जो है वो भी सौते हो चुका है टमाटो के साथ। तो चलिए इसको एक प्योरे टाइप्स का बना लेते हैं, दरदरा पीसेंगे। अच्छा आप लोग बोल सकते हो आपका जो चॉपर है उसमें क्यों नहीं पीस रहे। नहीं आज थोड़ा सा ही सामान है ना, तो मैंने ये हैंड चॉपर में ही चॉप करना सही समझा। तो चलिए तो फटाफट से इसको चॉपिंग कर लेते हैं। और बहुत फाइन एक पेस्ट आया है, ये देखिए लुक एट दिस, बहुत फाइन एक पेस्ट आया है। तो यही वाला कढ़ाई मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये कढ़ाई को मुझे चेंज नहीं करना है। इसमें बहुत सारे ऑयल लगे हुए हैं, इसमें थोड़ी सी और मस्टर्ड ऑयल मैं ऐड ऑन कर रही हूँ। सॉरी मस्टर्ड ऑयल नहीं, रेगुलर वाली ऑयल जो है उसको मैंने ऐड ऑन कर दिया। यहाँ पे ऑयल थोड़ी सी गर्म हो जाए उसमें डालनी है पेस्ट जो मैंने बना के रखा था अभी अभी। इसको स्टर देना है ऑयल के साथ, इसको मिक्सअप करना है और इसका कोरमा रिलीज हो जाए उस स्टेज तक इसको पकाना है। थोड़ी सी पानी ऐड कर रही हूँ भून के मैंने, और पानी ऐड करने के बाद ही साथ साथ मैं थोड़ी सी इसको स्टर दे देंगे और इसको उबालने के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि थोड़ी सी स्टर इसलिए देना पड़ता है ना, मिक्सअप देना पड़ता है, तो क्योंकि ऑयल के साथ ये सेपरेट ना रह जाए, मिक्स हो जाए अच्छी खासी। बस इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ मैं, नमक ऐड नहीं था तो बस नमक ऐड कर रही हूँ अच्छे से। और नमक ऐड करने के साथ साथ इसको बहुत अच्छे से चलाइएगा, बहुत ही अच्छे से। तो बस थोड़ी सी शाही पनीर है इसीलिए आप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, दूध का भी जैसे मैंने किया। उसके साथ जितना पनीर कट करके रखी थी वो सारे मैंने मिक्स कर दिए। लुक एट दिस, कितना अच्छा लुक आ रहा है ना, बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी भी बना था। आप लोग घर में इस तरह से ट्राई जरूर कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। थोड़ी सी लास्ट में कोरिएंडर लीव्स डालने से क्या होता है ना, इसका रंग रूप सूरत सब चेंज हो जाता है। तो बस इसलिए धनिया की पत्ती थोड़ा सा ऊपर से रखी हूँ मैं। और बस ये हो गया है डन हम लोगों का ब्रेकफास्ट रेडी। और ये देखिए 10 मिनट बाद। और बस ये रेसिपी आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही अच्छा बना था। घर में सब कोई बहुत मतलब तारीफ़ किए, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना अच्छा भी हमसे बन जाएगा, लेकिन बना है। लंच बनाने के बाद हम लोग अभी निकल रहे हैं मैं को स्कूल से लाने। हस्बैंड आ गए हैं तो बेहद भाई, चलो लंच बहुत अच्छा से बन गया है। अभी मैं को लेके आई, फिर लंच सर्व करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फिलहाल चलो लेके आऊँ, बहुत लेट हो रहा है। जी घर आने के बाद सीधा मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। और ये रही आज का हम लोगों की लंच जो बनाई थी घर में। दाल है, चिकन है जो टमाटो वाली चिकन है, और उसके साथ में है राइस। तो ये था सिंपल सा हम लोगों की आज की थाली। मेरा और सारा काम हो गया, किचन क्लीन हो गया और हम लोग ने लंच भी कर लिया। लेकिन लंच करने के बाद एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, हाँ पकड़ाया जो दिखाओ क्या खा रहे हो देखो, लंच करने के बाद में कौन चॉकलेट खाता है इस तरह से। हाँ चॉकलेट मिठाई भी खा, मिठाई भी
नहीं तुम खा। लंच हो गया और अभी मैं आई हूँ थोड़ा सा ऊपर, मैं इनको नीचे छोड़ के, नहीं तो पूरा आज वो दोपहर को ना नहीं सोया, मतलब आजकल वो नहीं सो रहा है दोपहर को, उसका ना बॉल खेलने का चस्का लगा है, तो चलो वो ना खेले। मैं, मेरा तो काम है बहुत सारा, मतलब व्लॉग एडिट करना है, आप लोगों के पास कल सुबह पहुंचाना है, आप लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हो इसलिए थैंक यू सो मच। बाय द वे पनीर का रेसिपी घर में ट्राई करो, ऑसम बना था, माइंड ब्लोइंग बना था। मैं हमको ये भी बोल दिया कि मम्मा कल स्कूल में सुबह में मुझे शाही पनीर ही लेके जाना है। मुझे सॉरी, मैं कंप्यूटर ऑन कर रही हूँ अभी, तो काम करूँगी बैठ के। घर में सब कोई, एक्चुअली आज घर में सब कोई मुझे बोला कि शाही पनीर बेहद अच्छा बना था। एनीवेज चलो आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करूँगी, क्योंकि तो जी आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। व्लॉग में आपको कुछ भी पसंद आए, कुछ भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब विच इज फॉर माई व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आ गया आ गया, सोता नहीं है दोपहर को, ये देख के देखिए ये आ गया। बाय बोलो, बाय बोलो, कल मिलती हूँ फ्रेश व्लॉग में। कल मिलोगे तो आंटी लोग से मिलोगे सुबह में? हाँ, बाय बाय, बाय बाय, चलो बाय।